सभी दोस्तों का स्वागत है एक बार फिर से अमेजिंग हिंदुस्तान पर। आज मैं आपको लेकर आया हूँ नैनीताल, और नैनीताल की एक जगह है टिप एंड टॉप। मैं वहाँ पर आपको लेकर चलूँगा और दो रास्ते हैं उसके, दोनों रास्ते आपको दिखाऊँगा। दोनों रास्तों पर क्या कठिनाई है, कितने आराम से जाया जा सकता है, वो मैं आपको दिखा रहा था दिखाने वाला। पार्किंग का तो साथ हम ही अभी दो हम मिनट में पहुँच गए पार्किंग डोर से ओपन पार्किंग से पर। अभी हम और टिप्रम टॉप जाने के लिए थोड़ा पैदल जाएंगे, लेकिन यहाँ से अभी अगर आप चाहे तो घोड़े भी मिल जाते हैं। आप चाहे तो पर हेड 700 रुपये घोड़ा रहेगा इसमें, और ये पूरा हेल्प करेंगे। वहाँ पे 3-4 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका यहाँ से ऑटो भी है और घोड़े के से भी आप ऊपर जा सकते हैं। ट्रैकिंग पॉइंट भी है, ये देखो आप जो दिखाई दे रहा है सामने, ये रहा। यहाँ पे क्लाइंबिंग कर रहे हैं लोग बाग। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद में एक रास्ता है पुलिस चौकी के बराबर से ऊपर जा रहा है टिप एंड टॉप पॉइंट पर। पैदल चाहें तो आप यहाँ से जाएं। पहले चलते चलते हम भटक गए, तो एक महिला भी, उन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया। उसके बाद जैसे ही हम उसके बताए रास्ते पर आगे बढ़े तो एक दुकान मिली। तो बाइक और स्कूटी रेंट पे मिलेगी अगर लेना चाहो तो। यहाँ के जस्ट सामने से टिप टॉप पॉइंट जाने के लिए ये है, इसके जस्ट सामने ये रास्ता ऊपर वाला। दो रास्ते हैं, नीचे वाले जहाँ बाइक खड़ी है इसके नीचे वाले ने जाने से ऊपर वाले से जाना। यहाँ से 2 किलोमीटर टिप एंड टॉप पॉइंट जो है वो आपको मिल जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमें लाल फूल बहुत ज़्यादा देखने में मिले। ये डार्क फूल हैं और देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। ये यहाँ के घर हैं, वो कितना खूबसूरत है। ये रहने के लिए अच्छे आपको लग्जरी विला मिलेगा आपको रहने के लिए रेंट पर। देखो कितना प्यारा लग्जरी विला है यहाँ पर। अगर आप चाहें तो यहाँ स्टे कर सकते हैं और आसपास घूम सकते हैं। ये टिप टॉप जो पॉइंट है वो वाले रोड पर उस पर ये है बने हुए हैं, और ये ऊपर जाने के लिए भी अलग है यहाँ पर जगह जगह टिप एंड टॉप के लिए। अब यहाँ से ऊपर ये रास्ता देखिए, अब यहाँ से ये रास्ता जाएगा टिप एंड टॉप का। ये आपका अयूर रिसोर्ट्स के पास बराबर से रास्ता जा रहा है। अब यहाँ से करीब 1 किलोमीटर ये ऊपर 400 सीधी रोड है। ये आपका टिप एंड टॉप वाला रास्ता है। फाइनली हम इस पर पहुँच गए हैं टिप एंड टॉप पर। पहुँचने वाले हैं कुछ बच्चे और सामने मिले सैलानी। और भी जाना है ऊपर, सिर्फ 2 किलोमीटर हम आ चुके हैं। अभी और भी ऊपर चढ़ना है, सिर्फ 2 किलोमीटर हम आ चुके हैं सब इसमें टिप एंड टॉप। अभी करीब 1 किलोमीटर के आसपास और ऊपर है और फास्ट चढ़ रहा है। करीब लगातार मैं 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ रहा हूँ और चढ़ता हुआ जा रहा हूँ अभी भी। और ऊपर आपको रास्ता दिखाता हूँ, ये कैसा रास्ता है मेरे पीछे, ये देखो है। कोई पक्का रास्ता नहीं है, पत्थरों से बनाया हुआ रास्ता है। ठीक है, जहाँ हम टिप एंड टॉप जा रहे हैं अभी, यहाँ नहीं, अभी देखो फिर रास्ता टर्न कर गया। इसी तरह से लगातार चढ़ते हुए राउंड एंड राउंड भी शिप में हम जा रहे हैं। कुछ और भी सैलानी मिले हैं जो हमारे ये तरह है घूमने आए हुए हैं। फाइनली हम टिप एंड टॉप पर पहुंच गए हैं। थोड़ा घूम कर आए जो ठीक नहीं रहा, और घूमने के लिए थोड़ा सा और हमें चीज़ें मिली देखने के लिए, उनका भी धन्यवाद। हम पहुंच गए यहाँ पर और आपको दिखाता हूँ क्या क्या यहाँ पर जगह है। ज़्यादातर तो ये फोटोग्राफी के लिए है टिप टॉप, इसलिए बोलते हैं जैसे बच्चे देख रहे हैं आप सामने ऊपर सेल्फी पॉइंट है ये। और यहाँ पर आपको एक शॉप भी मिलेगी स्टार्टिंग में, जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ से आप पानी वगैरह ले सकते हो। ये देखो आपने घोड़े देखना, घोड़े से वो यहाँ तक आता है। चाय कॉफ़ी भी मिले हैं यहाँ पर आप मिलेंगी, और चाय पानी जो आप लेना चाहें आप ले सकते हैं।
रास्ता मेन ये है जिससे लोग ज़्यादा आ रहे हैं, हम थोड़ा उल्टे रास्ते से आए तो, लेकिन अब इसी रास्ते से हम नीचे उतरेंगे दूसरे से, उससे वापस नहीं जाने वाले। यहाँ पर बच्चे आए हैं बहुत सारे पिकनिक बनाने के लिए, टिफिन टॉप के ऊपर अभी हम आपको बैठने के लिए जगह मिलेगी। और ये ऊपरी पहाड़ी के ऊपर ये रेस्टोरेंट टाइप ये बने हुए हैं, और ये है वो टिफिन टॉप जहाँ के लिए पब्लिक आती है देखने के लिए। ये कह सकते हैं एक तरह से सेल्फी पॉइंट है, और ये बहुत ही ऊंचा बना हुआ, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर ऊपर ये पहाड़ी की चोटी पर है। अच्छा, चक्कर में बड़े आराम कर है, ये है टिपटॉप पॉइंट का ऊपरी हिस्सा जो मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसे पूरा कहते हैं नैनीताल दिखता है, और आसपास जितने भी कॉलेज हैं वो आपको यहाँ से दिखाई देंगे। ये देखो यहाँ से सब कुछ हो रहे, ऐसे देखो पूरा नैनीताल दिखा दे रहा है। ये भी टॉप स्कूल है, वो सारे यहीं पर हैं। और ये सामने भी दिखाता हूँ, ये कोई मिल गया की शूटिंग हुई थी, ये वो है। अब ये सामने पहाड़ है, इस पर चलते हैं। हाँ यहाँ है जी, ये चढ़ने के लिए ये देखो यहाँ पर पहुँच गए। और ऊपर यहाँ पे सैलानी है, और देखो कितनी चढ़ाई, देखो कितनी अजीब और गरीब है, पत्थरों पर चढ़ना भी मुश्किल हो रहा है। ये देखो यहीं पे है, यहाँ से देखो नीचे, देखो ये लड़की है भाई यहाँ पे वीडियो बना रही है। तो कुछ ज़्यादा ही रिस्क ले रहे हैं हम, और इस वीडियो को आराम से देखोगे टिफिन टॉप का पूरा आपको वीडियो दिखा दिया है, जहाँ तक ऊपर तक था, फिसलने तक की भी, नीचे भी, ऊपर भी, रोंग वे से हम अभी आए हैं, अब सीधे वाले जो रास्ता है उसे भी दिखाएंगे। क्या छलांग लगाने वाली है, रुक जा वीडियो बना लो पहले बाद में अभी कुछ कॉफ़ी वगैरह लेंगे, और यहाँ पे आपको कॉफ़ी के लिए सब कुछ मिलेगा, सारी चीज़ें। तो इधर देखिए बैक साइड से मैं आपको व्यूज़ दिखाता हूँ इसका, कितना प्यारा व्यू है। ये ऑलरेडी मैं ऊपर से तीसरी बार दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर अभी हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, और कॉफ़ी पीने के बाद मैंने कॉफी बनाने वाले का धन्यवाद किया। कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाई इसलिए बुलाया, सच में कॉफ़ी अच्छी बनी है इसलिए वापस मांगी। थैंक यू भाई साहब, बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाई है, अभी हम कॉफ़ी ले रहे हैं। और हाँ ये मेरी है, मैंने डबल कॉफ़ी ली है, इसी चक्कर में कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी। टी कॉफ़ी मैगी शॉप है, और विमल जी का व्यवहार भी बहुत अच्छा है, आप यहाँ पर आराम से इनके साथ भाई साहब, सबसे अच्छी बात है कॉफ़ी अच्छी बनाई है, और इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। कॉफ़ी पीने के बाद हमने दूसरे रास्ते से नीचे उतरना शुरू, और ये दूसरे वाला रास्ता, पहले हमने दूसरा रास्ता दिखाया था जिस रास्ते से, और अकेले आए हम उस रास्ते से, उस रास्ते से आना भी नहीं, लेकिन जो मैं जिस रास्ते से हम अभी हम उतर रहे हैं, जो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी से आए, और जो मेन रास्ता है नीचे से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आप कहाँ से एंट्री करें। आप जो वहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं, उसके गाड़ी खड़ी करने के बाद आप सीधा इस रास्ते से आए, जिस रास्ते से ये घोड़े आते हैं। रेगुलरली फोटोग्राफी कर रहा हूँ, मैं कैमरा है मेरे साथ में, और मैं रेगुलरली फोटोग्राफी कर रहा हूँ जिसमें, तो कोई रोक नहीं रहा, तो आराम से मैं आप वीडियो भी बना सकते हैं। रास्ता घोड़े वाला रास्ता, अगर आप चाहें तो आप ज़रूरी नहीं कि पैदल ही आएँ, आप घोड़े से भी आ सकते हैं। ये देखिए
घोड़े का सफ़र भी है यहाँ पर। जो घोड़ा है आपको पर हेड मिलेगा 450 पर हेड मिलेगा। ये हम भाई कितना अच्छा रास्ता है, लुक अच्छा है यहाँ पर। वो थोड़ा सा कठिन के साथ साथ में सुनसान रास्ता भी था। हम सुनसान अभी मिलते हो, हमें अभी भी कोई नहीं रहा है। कारण है कि थोड़ा दोपहर का टाइम है। अच्छा व्यू देखने लायक, ये देखो सच में फ़ोटो के लायक है यहाँ पे। ये देखो फ़ोटो की जगह है, आप यहाँ पर रुककर फ़ोटो ले सकते हैं। बड़े बड़े पत्थर हैं। सैलानी आ गए हैं हमारी तरफ घोड़े पर, और अभी कितना नीचे है पता नहीं, क्योंकि हम जो मेन रास्ता उस पर है वो लेकर आ रहे हैं। ये देखो इसके अलावा और भी सैलानी आ रहे हैं, और हम पैदल चल रहे हैं केवल एंजॉय के लिए। ये करीब 5 किलोमीटर लंबा रास्ता है, वो पिछला जो पीछे रास्ता था वो 3.5 किलोमीटर लंबा था। उस पर हमें कुछ भी सैलानी, कोई भी सैलानी या कोई घोड़े वाला नहीं मिला, क्योंकि वो घोड़े वाला रास्ता नहीं, वो बैक साइड से आता है। आप इसी तरह से घोड़े कर सकते हैं, और ये मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ 850 पर हेड है ये। आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको एक सेल्फी पॉइंट और मिलेगा, और बेहद खूबसूरत है। वहाँ से आपको देखने से दूर से आपको झील देखने को मिलेगी। अभी हम उस झील की ओर ही जा रहे हैं, और यहाँ पर आपको चाय कॉफ़ी के लिए भी टी स्टॉल यहाँ भी मिलेगा। आपको चाहे तो आप यहाँ पे अपना जो भी बिस्किट वगैरह चाय पीनी हो, चाय कॉफ़ी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ये हो आपका सेल्फी पॉइंट जहाँ आप अपनी सेल्फी ले सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ अभी जिस झील की मैं आपसे बात कर रहा था, ये है वो झील। दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो सामने है। अभी थोड़ा बादल हैं ऊपर, और जिस वजह से प्रॉपर फ्रेम प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा। धुंध है हमारे आसपास। ये जो ये देखिए, एक खूबसूरत व्यू के साथ यहाँ आपको तेज़ हवाएं चलती भी महसूस होंगी। तो और यहाँ पर ट्रैकिंग पॉइंट भी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आप चाहें तो इसका भी आनंद ले सकते हैं। और यहाँ से फिर हम आगे चलें, और आगे चलने के बाद में हम एंड पॉइंट पर पहुँचे। करीब हमारे 5 किलोमीटर जो रास्ता है हमने पैदल ही तय किया। दोनों रास्ते मैंने आपको कवर करके दिखाए हैं। जिस रास्ते से आपको लगे कि आसानी से जा सकते हैं या जो इजी है आप उससे जाएं, दोनों ही रास्ते अच्छे हैं। साथ नज़दीक आ गए हम, और यहाँ से घोड़े ऊपर जाते हैं टिपन टॉप पर। सारा रास्ता करीबन मैं आपको दिखा चुका हूँ। यह टिकट घर है आपका, लेकिन एंजॉय पैदल में। हाँ ये भी अपना ठीक ठाक कराते हैं, लेकिन घोड़ा जरूर लें। हकीकत तो यह घोड़े के बिना सफर तय नहीं होगा, यहाँ पे आम व्यक्ति के बस की नहीं है। पार्किंग है, पार्किंग के बराबर में एक छोटा सा मार्केट है, यहाँ से आप सामान खरीद सकते हैं। ये देखिए कैप वगैरह, आप चाहें तो कैप ले सकते हैं। यहीं पास में एक पॉइंट है जिसको ये इसमें लवर पॉइंट बोलते हैं। ये मालूम नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो आप पत्थर भरा है वो सारे। यहाँ पे अपना फोटोग्राफी करा सकते हैं। तो ये थी वीडियो टिपन टॉप के ऊपर। थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन मैंने कोशिश की है आपको दोनों रास्ते दिखाऊं, और दोनों रास्तों से आप टिपन टॉप पॉइंट पर जा सकते हो। नैनीताल आप जाएं और टिपन टॉप ना देखें तो फिर कुछ नहीं देखा आपने। आपको वहाँ पे 3-4 पॉइंट और देखने को मिलेंगे। तो आप से अगर पैदल नहीं चला जाता है तो सीधा घोड़े कीजिए, जो 850 मैं पहले बता चुका हूँ, पर हेड मिलेंगे। और टिप एंड टॉप जो पॉइंट है उसका मजा लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और हाँ टिप एंड टॉप ज़रूर जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।